अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। दोस्तों आज के रिश्ते की तरफ जाने से पहले एक ज़रूरी बात जो मैं आपको जो हिसाब से करना चाहता हूँ कि बराए मेहरबानी हमसे वही लोग रब्ता किया करें जो शादी के मामले में, सिर्फ शादी के मामले में सीरियस हों। इसके अलावा अगर आप जो है, अक्सर लोग जो है गलत बात हमसे करते हैं कमेंट में जो है, या अक्सर मोबाइल फ़ोन पर जो है, तो बराए मेहरबानी हमारा कोई गलत धंधा नहीं है, हम सिर्फ जो है शादियां करवाते हैं, रिश्ते करवाते हैं। इसके अलावा अगर आप कुछ सोच रहे हैं तो ऐसी कोई बात नहीं है, बराए मेहरबानी ऐसा जो है आप ना सोचा करें या कोई ऐसी बात ना किया करें, क्योंकि हम जो रिश्ते लेकर आते हैं आपके लिए, ये अच्छे घरानों की लड़कियों के होते हैं, तो इसलिए बराए मेहरबानी कोई भी गलत बात करने से पहले 100 बार सोचा करें। तो इसके बाद जो है चलते हैं आज के रिश्ते की तरफ। तो ये जो लड़की हैं जिनका रिश्ता मैं लेकर आया हूँ, इनका नाम है रिजवाना। रिजवाना जो है हमारी बहन, इनकी उम्र जो है वो 43 बरस है, 43 ईयर्स, और एक जो है तलाक याफ्ता लड़की हैं, खातून हैं। 5 साल पहले इनकी जो है शोहर से अलहदगी हुई थी। 2 बच्चे हैं, दोनों बेटियाँ हैं और दोनों इन्हीं के साथ रहती हैं और शादी के बाद भी इनके साथ ही रहेंगी। रिजवाना जो है काफ़ी पढ़ी लिखी हैं, इनकी तालीम जो है एमए है और मुसलमान घराने से इनका ताल्लुक़ है। फ़िरका जो है इनका वो सुन्नी है और जो कास्ट है मुग़ल है, और ये इस वक्त जो है ओकाड़ा सिटी में रहती हैं अपने वालदैन के घर पे। इनका अपना जाती घर भी है। इसके अलावा जो है ये जो है एक प्राइवेट स्कूल जो कि मिडिल तक है वो ये यानी कि चलाती हैं, इनका अपना जाती है वो ये चलाती हैं, जिसे जो कि अच्छी खासी जो है आमदन भी है इनकी, बच्चों को पढ़ाती हैं, इसके अलावा ट्यूशन वगैरह भी पढ़ाती हैं, काफ़ी यानी कि अच्छी खासी आमदन है। तो वो हमारे दोस्त भाई मर्द हजरात जो इस फैमिली से मिलना चाहते हों, इस खातून को देखना चाहते हों शादी के लिए, तो बराए मेहरबानी लड़का जो है उसकी उम्र 50 साल तक हो, इससे ज़्यादा ना हो, पहली या दूसरी शादी करना चाहता हो, मुसलमान हो, पाकिस्तान के किसी भी शहर में रहता हो, अच्छे ख़ानदान से हो, और अगर थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा हो तो ज़्यादा बेहतर है। तो वो अपनी तमाम तर तफसीलात वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दे, बहुत जल्द उससे रब्ता कर लिया जाएगा। अगर आपके नसीब में हुआ तो ये रिश्ता ज़रूर आपके लिए खुशियाँ लेकर आएगा। तो दोस्तों इसी के साथ हमें इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।